सब्सक्राइब कीजिए अर्न विद आरके चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है। और दोस्तों आपको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 23,000 मेरे सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। और ये सब जो है ये सब आपका प्यार है, आपका सहयोग है और आपका आशीर्वाद है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पर, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा नई ताजा अपडेट देता रहूं बिटकॉइन से रिलेटेड, और कोशिश करूं कि आपको जो स्कैम है या जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो केवल लूट के लिए हिंदुस्तान में आती हैं या हिंदुस्तान के लोग चला रहे हैं, मैं उनसे आपको सावधान करता रहूं। दोस्तों आज ये सेशन में लेकर आया हूँ क्वेश्चन और आंसर्स का। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जिनका मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपको आंसर लूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन इसमें कोशिश करूंगा कि इसमें लूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सूचित करना चाहूंगा कि मैंने कुछ दिनों पहले देखा था कि किसी ने मेरे नाम की और मेरा लोगो लगाकर और YouTube पर वो बंदा मैसेज कर रहा था अर्न विद आरके के नाम से, जो मैंने चेक किया। और फिर एक्चुअली क्या है कि मेरा जो YouTube का चैनल है वो मैं भी उस पर रिप्लाई करता हूँ, और कभी कभी अगर टाइम होता है तो उसका पासवर्ड मेरे लड़के के पास भी है तो वो भी रिप्लाई करता है। तो मैंने अपने लड़के से पूछा कि क्या तुमने उस पर रिप्लाई किया था, तो उसने मना किया। तो पता लगा कि वो किसी फर्जी व्यक्ति ने मेरा लोगो लगा के और आप लोगों को रिप्लाई किया। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं तो थोड़ा जागरूक रहिएगा कि वो मेरी तरफ से नहीं है। मैंने बाद में चेक किया तो वो मुझे नहीं मिला। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं उसका वो रिप्लाई करते हैं, कुछ लोग अपना प्लान बताते हैं या कुछ लोग स्पैम भेजते हैं, कुछ लोग लिंक भेजते हैं, तो सावधान रहिएगा उन चीज़ों पर, उन पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, क्योंकि वो मेरी तरफ से कही हुई चीज़ नहीं होती। वो सारे लोग जो है वहाँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपना स्पैम, अपना प्लान, अपना तमाम चीज़ें उस पर चिपकाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये है मिस्टर क्रिप्टो करेंसी गुरु, इन्होंने पूछा है कि सर क्वाइनएक्स एक्सचेंज कैसा है, प्लीज एडवाइस। तो क्रिप्टो करेंसी गुरु जी, आपको मैं बता दूं कि क्वाइनएक्स जो एक्सचेंज है इसके बारे में मैंने अपनी एक वेबसाइट है जो मैंने नीचे आपने देखा होगा एक लिंक आया होगा वो techlock.com में इस पर पूरा एक मैंने लिखा है जो आपको पता लग जाएगा कि क्वाइनएक्स क्या है। अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रवेश तोमर का। प्रवेश तोमर जी पूछते हैं कि हेलो सर, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन गोल्ड डाउन क्यों जा रहा है? तो दोस्तों बिटकॉइन कैश हो या बिटकॉइन गोल्ड हो या बिटकॉइन हो, ये क्रिप्टो करेंसी की खासियत है कि डाउन भी जाता है और अप भी जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डाउन क्यों जा रहा है और अप क्यों जा रहा है। ये एक नेचुरल क्रिप्टो करेंसी की एक ये नेचुरल आदत है कि वो डाउन भी जाता है और अप भी जाता है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कॉइन अप ही जा रहा है हमेशा और डाउन नहीं जा रहा है तो वो बहुत बड़ा स्कैम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जेन्युइन कॉइन है तो अप भी जाएंगे और डाउन भी जाएंगे। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका निखिल खुदाई का। निखिल खुदाई कहते हैं कि आई कैन बाय नाउ बिटकॉइन और वेट, प्लीज गिव मी आंसर। तो सर मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है आपको। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप नुकसान में आ सकते हैं। अभी जैसे जेपे पे 8.5 लाख का बिटकॉइन चल रहा है, अगर आप सोचें कि एक हफ्ते में आप पैसा कमा लें और हो सकता है एक हफ्ते के बाद 8.5 से डाउन हो जाए, 7 पे पहुंच जाए, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्ग समय के लिए बहुत ऊंची कीमत पर जाएगा, इसलिए आप 1 साल 2 साल 3 साल इस चीज के लिए लेकर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन है संजू गौतम का।
संजू गौतम जी, इनके 15 सब्सक्राइबर भी हैं, ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, इन्होंने पूछा है कि दिल्ली में कभी भी क्लास स्टार्ट कीजिए, गुड़गांव बहुत दूर हो जाएगा। सर ये क्लास नहीं है, ये 1-to-1 एक डिस्कशन के लिए मैंने रखा है। क्लास के लिए मैं बाद में सोचूंगा, कोई क्लास, मैं टीचर नहीं हूँ, ये मैं एक काउंसलिंग है, एक आपको बिटकॉइन के बारे में बताना समझाना, आप मुझसे 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर कुछ सीखना है तो आपको गुड़गांव आना पड़ेगा। कुआं प्यासे की तरफ नहीं जाता, प्यासा कुएं पे आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, फिल्म मेकिंग चैनल है इनका, और इन्होंने मैसेज किया है कि सर अगर मैं बिटकॉइन अर्न करके अपने बैंक में ट्रांसफर करता हूँ तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, कि सर अगर आप बिटकॉइन बैंक में ट्रांसफर करते हैं और अगर आप बहुत जल्दी उसको इन्वेस्ट करके और ट्रांसफर करते हैं तो उसमें लगेगा शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स उसमें लगेगा, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप सीए से एक बार बात जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सौरभ श्रीवास्तव का। सौरभ श्रीवास्तव जी पूछते हैं कि सर हम लोग जैपे और यूनिकॉर्न के अलावा किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इंडिया में बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं क्या? सर आपने गिवअवे नहीं किया, यूजर्स 23,000 हो चुके हैं। जी सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 23,000 हो गए हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं अभी नया हूँ यूट्यूब में और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं आपको बताऊं कि मैं 18 दिसंबर का इंतजार कर रहा हूँ, जब मेरा लड़का चेन्नई से यहाँ आएगा, और मैंने उसको बोला हुआ है कि गिवअवे मुझे देना है, तो अभी वो सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, तो ये गिवअवे मैं 18 तारीख के बाद आपको जरूर दूंगा। और आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप इंटरनेशनल रेट पर करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। तो इंटरनेशनल रेट पर करेंसी खरीदने के लिए सर आपका कोई बंदा होना चाहिए, अगर अमेरिका में या कहीं भी है तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आप हमें बिटकॉइन दे दीजिए, और आपके जो आपने जो डॉलर्स वहां खर्च किए हैं उस डॉलर्स की कीमत के रुपए मैं आपको यहाँ घर पे इंडिया में पहुंचा सकता हूँ, ये तरीका है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप इंटरनेशनल कीमत पे इंडिया में बैठे बैठे आप बिटकॉइन खरीद पाए। अगर आप लोग कोई जानकार है तो नीचे मैसेज जरूर करें, जिससे मैं भी अपडेट हो जाऊं कि हाँ ये तरीका है और लोगों को जानकारी दे सकूं। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलम क्वाइन में पर भी अपडेट दीजिए सर, इसका फ्यूचर क्या होगा? सर देखिए बहुत सारे क्वाइन हैं, 1,500 क्वाइन से ज्यादा लिस्टेड हो चुके हैं, रोज आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है हर एक क्वाइन के बारे में बोलना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आईसीओ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक कैसीनो खेलने के बराबर है या लॉटरी के टिकट खरीदने के बराबर है, वो 100% रिस्क में होता है। आपका क्वाइन हो सकता है अप हो जाए, आपका हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ चीजें छिपी हुई होती हैं, टीम के बारे में चेहरे कुछ और लगे होते हैं, पीछे कुछ और कहानी होती है। ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई हैं, कुछ लोगों ने मुझे प्रमोट करने के लिए बोला, लेकिन मैंने देखा कि क्वाइन का मोटो कुछ है लेकिन वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे दूर हो गया। तो आप खुद स्टडी कीजिए इसके बारे में, बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में स्टडी करके आपको जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं। सर एक लैब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए जो टारगेट करे, इनका नाम मैं नहीं लिख पाया हूं, सॉरी नाम नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने लिखा है कि सर एक लैब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए जो टारगेटेड हो, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ इट इज वर्क, लीगल स्टेप ऑफ विड्रॉवल, व्हाट इज द माइनिंग, हाउ इट इज वर्क, हाउ टू सेटअप माइनिंग रिग, मतलब इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जो ट्रेनिंग सेशन में मुझे लेने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सारे क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा ट्रेनिंग सेशन में, जब आप मुझसे मिलेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आपके सिर में घूम रहे हैं वो लेकर आइएगा मेरे पास, मैं उनका जवाब दूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा पूरी तरीके से, जिससे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखने में कम से कम 1 साल लगा है, और अब जाके मैं कह सकता हूं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो एक पारदर्शिता है वो मैंने देख चुका हूं, और मैं अब लोगों को जो अपना 1 साल का या 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है
वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कुछ चंद घंटों में, और आपको एक नट शैल में उसका रिजल्ट बता सकता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया है कि सर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप फीस लेने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, और मैंने आज तक किसी से कोई फीस चार्ज नहीं की। पूरे पूरे दिन लोगों से मिला हूँ, पूरे पूरे दिन मैंने फोन पे बात की है, लोगों को बताया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत कुछ मैंने किया है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया। लेकिन अब क्यों उसको, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक सेटअप हो जिससे और बहुत सारे लोग जिनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जिनके दिमाग में, जिनके मैं फोन नहीं ले पाता, जिनको मैं मैसेज नहीं कर पाता, जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उनको प्रॉपरली टाइम से उनको वो जानकारी मिल जाए जो बहुत जरूरी है उनको जानना। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी फीस का प्लान किया है जो मैं लूंगा आपसे मिलने के लिए। पर्सनली मिलेंगे आप, मेरे से टॉक करेंगे, अपनी जो भी जिज्ञासा है वो दूर करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे मैसेज करें कि कितनी फीस जो है वो सूटेबल रहेगी, जो आप लोग बियर कर सकते हैं। और क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं मुझे ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गुड़गांव जैसे शहर में एक ऑफिस को मेंटेन करना, चार पांच लोगों को, स्टाफ को मेंटेन करना एक खर्चा बनता है। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान में जरूर रखिएगा, और नीचे कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी जल्दी मेरा जो चैनल है इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।